soul of an architect cooks. आज जो recipe बोलेंगे इसको कि क्या बोलेंगे जो हम बनाने जा रहे हैं, it's a dessert and it's more of a plating of a dessert. Some components of course are home cooked, वो मैं आपको बताऊंगी, but more or less it's that of a presentation. So today I'm going to show you how to present a banana split, a classic dessert, और उसको कितनी simply हम घर में present कर सकते हैं. तो आइए मैं बताऊं कि इसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए. So banana split के लिए जैसे the name suggests, we need a banana. ये ripe banana होना चाहिए, but overripe नहीं होना चाहिए. We need some vanilla ice cream, some chocolate sauce. ये मेरा homemade chocolate sauce है, जिसको मैंने एक squeezy bottle में डाल के रखा हुआ है. I put it in the fridge normally when I make it. And in some other future recipe, I'll tell you how we make this homemade very simple chocolate sauce. We have some hundreds and thousands which are cake decorations. ये हो तब भी ठीक है, ना हो तब भी no big deal. And we have some roasted cashew. तो जो काजू है वो या आप इस तरह के टूटे हुए market से ले लें, या फिर आप घर के साबुत काजू को इस तरह तोड़ के and उसको light brown roast कर लें एक dry pan में. So इसको हम आइए assemble करना शुरू करते हैं. So सबसे पहले we'll take the banana and we just peel it. Banana peel करके जिस तरफ इसकी ऐसे curve होती है ना, curve inside रखते हुए we have to just slit the banana. बस इस तरह से slit करेंगे ताकि वो पूरा ना कटे, and धीरे से फिर हम उसको इस तरह से हल्का सा open कर देंगे. ये हो गया हमारा. After this यहाँ पे ये मैंने ice cream के strips soaked से रखे हुए हैं. इस आइसक्रीम स्ट्रिप को हम इसके अंदर इस तरह से वेरी नाइसली विल जस्ट जेंटली स्टफ इट इन. आइसक्रीम भी जब आप इसमें डालें तो कीप इट आउटसाइड ऑफ द फ्रीजर फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स, सो दैट हैंडल करना आपको आसान हो जाए, सो दैट यू कैन जस्ट स्टफ सम ऑफ इट इनसाइड एंड देन वन ब्लॉब ऑफ आइसक्रीम यू हैव एट द टॉप. ये करने के बाद देन वी टेक आवर चॉकलेट सॉस. अगर आप होममेड चॉकलेट सॉस यूज कर रहे हैं, यूज अ स्क्वीजी बॉटल टू यूज दिस. अदरवाइज अगर आप कोई मार्केट का चॉकलेट सॉस यूज करेंगे, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली ऑलराइट, तब वो तो डायरेक्टली आप बॉटल से यूज कर सकते हैं. हम इसको स्प्रिंकल करेंगे एंड देन लेट योर इमेजिनेशन रन वाइल्ड. आप कोई भी पैटर्न दे सकते हो. आई मीन दिस इज लाइक यू नो, ये देखिए बस इस तरह का आप अपनी इमेजिनेशन से कोई भी पैटर्न इसके ऊपर दे दीजिए एंड टेक अ नाइस व्हाइट कलर्ड प्लेटिंग ट्रे एंड लेट द चॉकलेट सॉस रन ऑन टू द साइड्स ऑफ दैट आल्सो एंड अच्छे से इस तरह से दे दीजिए एंड दैट इज इट. ये रोकने का मन नहीं करता है बिकॉज यू नो इट्स सो इंटरेस्टिंग, बट एनीवे आफ्टर दिस वी जस्ट टॉप इट विद सम कैशूज केयरफुली. लेट अ फ्यू कैशू स्लाइड डाउन, नो वरीज. ये रोस्टेड कैशू विद द बनाना एंड द वैनिला आइसक्रीम लुक्स टेस्ट अमेजिंग. अगर आपके पास हंड्रेड एंड थाउजेंड्स हैं तो फाइन, आप थोड़े से डाल दें इस तरह से फॉर डेकोरेशन. नहीं है तब भी कोई बात नहीं है. दिस लुक्स वेरी गुड एज इट इज, इट टेस्ट अमेजिंग ऑल्सो. लुक एट दिस ब्यूटिफुल बनाना आइसक्रीम. आपके घर कोई गेस्ट आ गए अचानक से, हैव द बनाना आइसक्रीम ब्रिक इन द फ्रिज. ये रोस्टेड कैशूज मैं नॉर्मली हमेशा अपनी एक बॉटल में बना के रखती हूँ. माई चॉकलेट सॉस इज ऑलवेज रेडी विद मी इन द फ्रिज एंड बनानाज ऑफकोर्स नॉर्मली फ्रूट्स में हमारे पास पड़ा होता है. बस इतने सिंपल से इन्ग्रीडियंट्स के साथ एंड ये लुक एट दिस वेरी ब्यूटिफुल बनाना स्प्लिट दैट वी कैन मेक. All your guests would also love having this. It tastes amazing and the presentation is awesome. So friends, wasn't that an easy presentation? So now the recipe is over. It's time for the tip of the day. जैसा कि आप सब जानते हो, मैं अपने हर एपिसोड में एक ना एक आर्किटेक्चर या इंटीरियर से रिलेटेड टिप जरूर देती हूँ. आज का हमारा जो टिप है दैट इज रिलेटेड टू टेरेस गार्डन्स. गार्डन्स सबको पसंद होते हैं एंड इफ यू डोंट हैव अ ग्राउंड फ्लोर अपार्टमेंट और अ बंगलो, तो ग्राउंड फ्लोर पे गार्डन या लॉन पॉसिबल नहीं होता, देन द ऑप्शन इज द टेरेस गार्डन. तो टेरेस गार्डन जैसे ही हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि टेरेस जहाँ पर हम मिट्टी भरें, जिसके ऊपर लॉन हो, जिसके ऊपर प्लांट्स लगे हों, बट दैट इज़ नॉट एन ईजी ऑप्शन. वो देने के लिए एक तो आपको शुरू से स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में प्रोविजन करनी पड़ती है, प्लस इट्स नॉट एन इनएक्सपेंसिव सोल्यूशन, उसके कॉस्ट भी बहुत होते हैं एंड देन देर आर मेनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक टर्माइट्स, सीपेज,
एंड सो मेनी अदर्स. सो उसके लिए एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है कि आप टेरेस गार्डन दें बट विदाउट पुटिंग एनी सोइल और डेड अर्थ ऑन द टेरेस. लाइक यू कैन सी माई गार्डन बिहाइंड मी, आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्लांट्स ऑन माई गार्डन विच आई हैव पुट इन मेनी यू नो सेरेमिक और टेरिकोटा पॉट्स एंड दैट गिव्स मी अ फील ऑफ अ गार्डन वेरी वेल. सो दैट्स द टिप ऑफ द डे. अगर आपको टेरेस गार्डन देना हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको अपनी छत के ऊपर उतना एक्स्ट्रा लोड दे के डेड सॉइल भर के ही गार्डन देना हो. आप इस तरह से पॉटेड प्लांट्स रख के, वी हैव सम फ्रूट प्लांट्स, वी हैव सम फ्लावर प्लांट्स, वी हैव सम ग्रीन्स, वी हैव सम हर्ब्स, वो भी गार्डन वर्क्स वेरी वेल, इक्वली वेल. सो विद दैट फ्रेंड्स वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज एपिसोड. आई विल सी यू नेक्स्ट सैटरडे एट 7 PM अगेन विद अ न्यू रेसिपी एंड अ न्यू टिप. टिल देन बाय बाय. Thank you.